से। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं खेलने जा रही हूँ स्कैरी स्ट्रेंजर 3D, जो मेरी बहन ने भी खेला हुआ है। उसने खेला स्कैरी टीचर 3D और मैं आज खेलने जा रही हूँ स्कैरी स्ट्रेंजर 3D। तो ये है मेरा फेस रिवील और मेरी बहन का भी फेस रिवील हो ही गया होगा। तो आप उस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को भी लाइक कर देना। अगर आपने 20 लाइक्स कर दिए तो मैं आपके लिए इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्रंटी लेके आ रहे हैं कुछ चिकन, उसको टोस्ट। इनका फेस कितना वियर्ड ग्रीन है, इनका फेस बहुत वियर्ड दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डरावना है। तो पहले मैं ये जो है एक बॉक्स रखा हुआ है उससे मैं ये उठा लेती हूँ बॉम्ब। अब मैं जाती हूँ इस बारबेक्यू के पास और बस पर रख देती हूँ बॉम्ब, फिर उसको सेपरेट कर देती हूँ, उसके ऊपर कोल्स रख देती हूँ ताकि उसके वो दिखे ना बॉम्ब, नहीं तो फेल हो जाएगा हमारा प्रैंक। जैसे हमारे स्कैरी टीचर में भी होता ही है ऐसे ही, अगर थोड़ा सा भी दिख जाए ना गया। तो उसमें आग लगा, उस प्लांट के ऊपर गिरा इतना। ओ, और पता है नेस्ट बहुत ही ज्यादा अजीब था वो। तो हम लोग नेक्स्ट वाला खेलते हैं रिलीजेस ही नीड टू स्टॉप मंकिंग अराउंड, ठीक है? तो हम लोगों को अभी अब देखते जाइए सीखते जाइए मैं कैसे खेलती हूँ। ये कितना वियर्ड चल रहा, ये मंकी को आके चिढ़ा रहा है, पेपर से मार रहा, उसके ऊपर पता नहीं क्या वेयर से फेंक दिया और उसके कानों ऐसे करके कुछ बजा दिया। तो हम पहले जाते हैं इस की लगा के रखे हैं, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। लॉक पिक ले लिया है और मैं उसको तोड़ देती हूँ। मैं मंकी के पास नहीं जाऊँगी, मंकी से बहुत डर लगता है। मैं ये बनाना उसको दे देती हूँ, उस मंकी को। अब मैं उसको खोल के जल्दी से भाग जाऊंगी, नहीं तो मंकी मुझे पकड़ लेगा गाइस। मंकी को डर लगता है, उनके लिए गोरिल्ला। हाँ सॉरी गोरिल्ला गाइस, भूल ही गई थी मैं। मंकी और गोरिल्ला में बहुत डिफरेंस है कि नहीं है? मंकी गोरिल्ला थोड़ा ज्यादा डरावना होता है। मैं पूरा टूर दे देती हूँ आपको, एनर्जी ड्रिंक पी लेती हूँ, काम भी आ जाएगा थोड़ा। ओ भाई ये तो अभी गेट के पास है, ये देखो भाई पीछे से आते हैं, तो वियर्ड बहुत वियर्ड दिखते हैं। और गोरिल्ला के पास है हाँ। गोरिल्ला उसके बच्चे पक गया, उसको तोड़ दिया जमीन। जमीन कैसे तोड़ सकता है यार तुम्हें आया था स्टैंडर्ड रिलैक्सिंग आफ्टरनून इज अबाउट टू टर्न इनटू अ नाइटमेयर। ओके लोड हो रहा है, मुझे इनका फेस ना बहुत वियर्ड दिखता, मतलब इतना डरावना फेस है। स्कैरी टीचर के तो बाल एकदम खड़े रहते हैं, तो वो उसका मुझे इनका हैम कॉक खराब करना है। ओके गाइस मैं इनका हैम कॉक खराब कर दूंगी। तो टैप ऑन सीटन, ओके। वैसे मुझे पता है क्या करना है, फाइंड शुगर क्यूब्स 4। ये वाला नहीं पता था हमारे, मुझे शुगर फाइंड करना है। इसके लिए मुझे जाना होगा यहाँ से, जो आप देख ही रहे हो।
कहाँ से जा रही हूँ, उनका कोई गार्ड है। वाओ मेरा बहुत सुंदर दिखता है गाड़ी, उनका जो गार्डन है। और ये पीछे पता नहीं कौन सा हाउस है, जो कि आई थिंक प्ले हाउस है। ये है उनको रखा, ये शुगर शुगर के क्यूब्स हैं, उठा लेती हूँ। शुगर जार अम्मा से चखाऊंगी। अब जस्ट आपको उनके बेड पे रख दे हैमकॉक में, सॉरी। फिर आप जब ये शुगर डल जाए फिर उसके ऊपर हम रख देंगे। भागो भागो ग्रंपी अंकल, मार न डालो। मैं जल्दी भाग रही हूँ, पकड़ ली पकड़ ली पकड़ ली, मुझे बाहर भाग। जल्दी 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 आ गए आखिर बाहर। ये सो स्ट्रेंज गाइस, मैं नाचू नाचू नाचू, मजा आ रहा है। यहाँ पर से बाहर से नजारा देखती हूँ, क्या बात है। पकड़ो घर का पूरा नजारा देख सकते हो आप। कितना गेम खेल डाली मगर गाइस, इनका हाउस बहुत ब्यूटीफुल है, आपको क्या लगता है। रन फॉर स्ट्रेंजर्स कम, मैं तो पूरा टास्क कंप्लीट करी। अब आप देखते जाओ बस, ये चीटियां जा रही हैं उस हैमकॉक के ऊपर, पूरा हिला दिया ऐसे ऐसे ऐसे। और अम्मा को उठा ले जाइए। और जो कॉफी में होता है जिसमें वैम्पायर रहता है, शायद वही है, वैसे ही तो कुछ दिख रहा है। उनको बैठा लिया। चीटियां ऐसे कैसे कर सकती हैं मुझे। तो गाइस इस गेम का हम करते हैं अब एंड। अगर आपको ये गेम अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर दीजिए। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप 20 लाइक्स, इतने से ही तो लाइक्स मांग रही हूँ, आप ज़रूर कर देना। और आपका फिर जब आप 20 लाइक्स कर दोगे तब मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगी। ओके गाइज, सो बाय बाय।